तो क्या आप भी इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो कि कौन सा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा बेस्ट है जिसको आप यूज कर सकते हो? हाँ। और क्या आपको भी लगता है कि हर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन को यूज करना चाहिए, जैसे कस्टम में अलग, सीएस में अलग और रैंक गेम में अलग? हाँ। और क्या अभी तक आपको कोई भी अच्छा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया है जिसको आप यूज कर सकते हो? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताते हैं जिससे हम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को ना ही अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ और ना ही बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आप सभी को सिर्फ एक ऐसा गॉड लेवल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको अगर आप यूज करते हो और अगर आपके सामने कोई एनिमी आ जाता है तो वो बोलेगा के मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या खास बात है इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में पहला जो कैरेक्टर है वो दूसरे कैरेक्टर के पावर को बढ़ा देगा, दूसरा कैरेक्टर जो है वो तीसरे कैरेक्टर के पावर को बढ़ा देगा, और जो तीसरा कैरेक्टर है वो चौथे कैरेक्टर के पावर को बढ़ा देगा। नहीं, और इसी तरीके से ये सभी कैरेक्टर आपस में मिलकर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देते हैं। और जब इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के सामने कोई सिंगल एनिमी आता है तो उसके लिए आपको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए पैराडाइज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में कौन कौन से कैरेक्टर है और आखिर ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काम कैसे करता है। सो लेट्स बिगिन। तो मैं आप सभी को इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में कौन कौन से कैरेक्टर है एक एक करके बताऊंगा और इनकी क्या एबिलिटी है और आखिर इनकी एबिलिटी कैसे दूसरे कैरेक्टर के पावर को बढ़ा दे रही है, मैं आप सभी को एक एक करके बताऊंगा। तो इस गॉड लेवल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है हमारा के कैरेक्टर। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या सीक्रेट एबिलिटी है इस के कैरेक्टर का और आखिर कैसे ये के कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के पावर को बढ़ा दे रहा। तो सबसे पहले अगर हम इसकी एबिलिटी के बारे में बात करें तो ये जो के कैरेक्टर है सिंपली ईपी को एचपी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये है हमारा एक नॉर्मल कैरेक्टर और इसके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपी है और इसके पास है 10 सेकंड का टाइम। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस नॉर्मल कैरेक्टर को कि जो नॉर्मल कैरेक्टर है वो इस 10 सेकंड में अपना कितना ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर सकता है। तो यहाँ पर इस कैरेक्टर ने जंप किया और यहाँ पर इस कैरेक्टर का जो एचपी है वो अच्छा खासा माइनस हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको टाइमर को स्टार्ट किया है तो उस वक्त इस कैरेक्टर का जो एचपी था वो 15 था और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे इसका जो ईपी है वो एचपी में कन्वर्ट हो रहा है। और 10 सेकंड के बाद हमने जैसे ही इस टाइमर को स्टॉप किया तो इस वक्त इसका जो एचपी है वो 15 से बढ़कर 25 हो गया। मतलब कि 10 सेकंड में इस नॉर्मल कैरेक्टर ने अपने 10 ईपी को एचपी में कन्वर्ट किया है। लेकिन यहीं पर अगर आप अपने इस के कैरेक्टर को देखें, ये इस 10 सेकंड में अपने कितने ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर सकता है, तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं यहां पर के कैरेक्टर ने जंप किया और यहां पर इस के कैरेक्टर का जो एचपी है वो अच्छा खासा माइनस हो चुका है। और अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नॉर्मली ईपीएचपी में कन्वर्ट होता है वही हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने जैसे इसके कैटर के बटन पर क्लिक किया तो अब इसी के साथ ही साथ हमारा जो टाइमर है वो भी स्टार्ट हो चुका है और अब ये अपना जो के कैटर है वो बहुत ही तेजी से अपने ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे 10 सेकंड बाद वीडियो को पॉज किया तो उस वक्त इसका जो एचपी था वो 21 था और 10 सेकंड के बाद हमने जैसे वीडियो को पॉज किया तो इसका जो एचपी है वो 21 से 71 हो गया है। मतलब कि इस 10 सेकंड में इस के कैरेक्टर ने अपने 50 ईपी को एचपी में कन्वर्ट किया है, मतलब कि 5 गुना तेजी से। तो इससे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में आपको तो फायदा तो होगा ही, लेकिन आखिर कैसे ये के कैरेक्टर की एबिलिटी से आपके दूसरे कैरेक्टर का जो है पावर है वो बढ़ जाएगा, तो इसको समझने के लिए आपको दूसरे कैरेक्टर की एबिलिटी को समझना पड़ेगा। तो अब बात करें कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जो दूसरा कैरेक्टर है वो है हमारा जस्टिन बीबर कैरेक्टर। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर तो एक बेकार कैरेक्टर है, तो फिर ये इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में क्यों है? तो मैं आप सबको बता दूं कि जस्टिन बीबर कैरेक्टर जो है वो बेकार कैरेक्टर नहीं है। दरअसल आप सभी को इस कैरेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं है। तो अगर बात करें कि इस कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है और आखिर कैसे ये इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में हमें फायदा देगा, तो जैसे कि आप यहां पर देखिए, यहां पर मेरे सामने एक जो कैरेक्टर है वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है और एक जो कैरेक्टर है वो जस्टिन बीबर कैरेक्टर है, और इन दोनों कैरेक्टर के पास जो है
है 3 लेवल का वेस्ट है, और उसके बाद मेरे हाथ में है जो M500। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे ही इस नॉर्मल कैरेक्टर को M500 से डैमेज दिया तो इसे 15 का डैमेज आया, और उसके बाद यहाँ पर मैंने जैसे ही जस्टिन कैरेक्टर को डैमेज दिया M500 से तो इसे 13 का डैमेज आया, और उसके बाद जैसे मैंने दूसरी बार इस नॉर्मल कैरेक्टर को डैमेज दिया तो इसे 17 का डैमेज आया, और उसके बाद जब मैंने दूसरी बार जस्टिन कैरेक्टर को डैमेज दिया तो इसे 14 का ही डैमेज आया, और उसके बाद तीसरी बार जब मैंने नॉर्मल कैरेक्टर को डैमेज दिया तो इसे 18 का डैमेज आया, लेकिन यहीं पर मैंने जस्टिन को जब तीसरी बार डैमेज दिया तो इसे 16 का ही डैमेज आया, और जब मैंने चौथी बार डैमेज दिया तो इसे 21 का डैमेज पड़ा, लेकिन यहाँ पर चौथी बार में इसे सिर्फ 17 का ही डैमेज पड़ा, और जब मैंने पांचवी बार 23 का डैमेज पड़ा इसको, लेकिन इसको जस्टिन कैरेक्टर को सिर्फ 19 का पड़ा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जस्टिन कैरेक्टर की जो एबिलिटी है ये है कि ये आने वाले 15% डैमेज को रोक देता है, और जितना एचपी इसने रोका है उसके बदले इसका जो ईपी है वो माइनस हो जाता है। हालांकि इस जस्टिन कैरेक्टर के पास एक और एबिलिटी है कि ये अपने ईपी को भी खुद से बढ़ाता है, लेकिन यहां पर जो मेन एबिलिटी है वही है कि अपने ईपी के मदद से अपने आने वाले डैमेज को 15% रोक देता है। और अब यहां पर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में होगा कि ये कैरेक्टर की ईपी की वजह से ये जो जस्टिन कैरेक्टर है वो आने वाले 15% डैमेज को रोक देगा, मतलब कि एनिमी को आपको मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अभी तो यहां पर दो ही कैरेक्टर हुआ कि जस्टिन कैरेक्टर जो है वो आने वाले डैमेज को रोक देगा, और जो के कैरेक्टर है वो आपके ईपी और एचपी को बहुत ही तेजी से बढ़ाएगा, लेकिन अभी दो कैरेक्टर और बाकी है, और दो कैरेक्टर की वजह से भी इन सभी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो कैरेक्टर है उनकी एबिलिटी बढ़ेगी। तो अब बात करें कि इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में तीसरा कौन सा कैरेक्टर है और कैसे ये तीसरा कैरेक्टर इन दोनों जो पहले कैरेक्टर है उनके पावर को बढ़ा देगा। तो बात करें जो तीसरा कैरेक्टर है वो है हमारा इलाइट हयातो। और अब यहां पर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में इस हयातो का क्या काम, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके लिए आप अब यहां पर देखिए, यहां पर मैंने जैसे इसे पहला डैमेज दिया तो इसे 48 का डैमेज पड़ा, उसके बाद जब मैंने दूसरा डैमेज दिया तो इसे 43 का पड़ा, लेकिन जब मैंने इसे तीसरा डैमेज दिया तो इसे 40 का पड़ा, और जब मैंने चौथा डैमेज दिया तो 36 का ही पड़ा। तो यहां पर मैं जैसे जैसे इसे डैमेज दे रहा हूं तो वैसे वैसे जो डैमेज है वो कम होते जा रहा है, लेकिन यहां पर मैंने जस्ट लास्ट डैमेज दिया तो इसे 33 का पड़ा। और ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो इलाइट हयातो की एबिलिटी है, जैसे जैसे उसको डैमेज पड़ते जाता है वैसे वैसे उसका जो वेस्ट का पावर है वो बढ़ते जाता है और उसे डैमेज का असर कम होते जाता है। तो ऐसा इसलिए यहां पर हो रहा था कि मैं जैसे जैसे उसे डैमेज दे रहा था तो उसे डैमेज का असर जो है वो कम होते जा रहा था उसके ऊपर। और इलाइट हयातो की इस एबिलिटी से हमें पूरे इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में फायदा होगा ये कि सबसे पहले जो जस्टिन कैरेक्टर है वो आने वाले 15% को रोक देगा, और उसके बाद जैसे ही वो डैमेज थोड़ा मोड़ा आएगा उसे इलाइट हयातो को जैसे ही थोड़ा सा डैमेज पड़ेगा तो जैसे जैसे डैमेज पड़ते जाएगा तो इसका वेस्ट का पावर बढ़ते जाएगा और डैमेज का असर भी कम होते जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हमें ये डैमेज पड़ जाता है और हमारा एचपी कम हो जाता है तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में जो के कैरेक्टर है वो अपने एबिलिटी की मदद से आपके एचपी को बहुत ही तेजी से बढ़ा देगा। तो इसी तरीके से ये पूरा कैरेक्टर कॉम्बिनेशन काम करेगा, एक डैमेज को रिड्यूस करता है, दूसरा भी डैमेज को कम करता है, लेकिन अगर डैमेज हो भी गया तो जो तीसरा है वो आपके एचपी को बहुत ही तेजी से बढ़ा देगा। लेकिन इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जो चौथा कैरेक्टर है वो अभी बाकी है, और इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जो चौथा कैरेक्टर है उसको बताने से पहले मैं आप सभी से यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 3 तक गिन रहा हूं, 1 2 3। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि अभी आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोस होंगे उसमें मैं आप सभी को OB36 के न्यू कैरेक्टर्स के बारे में बताऊंगा और उनके साथ अभी के जो टॉप कैरेक्टर हैं उनको कंपेयर करूंगा। तो अब ध्यान से इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लीजिए। तो अब वापस आते हैं कि इस गॉड लेवल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है। तो इस कैरेक्टर कॉम्बिनेशन का जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है हमारी केली कैरेक्टर। और हालांकि इसकी एबिलिटी कुछ खास नहीं है, लेकिन इसकी एबिलिटी आपके कैरेक्टर कॉम्बिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बात करेंगे केली कैरेक्टर की क्या एबिलिटी है, तो केली कैरेक्टर की एबिलिटी ये है कि आपके रनिंग स्पीड को 6% तक बढ़ा देती है, और इसका कोई भी कूल डाउन टाइम नहीं है, जितने देर भी आप दौड़ेंगे ये आपके रनिंग स्पीड को 6% बढ़ा ही रखेगी। तो यही है इस फोर्थ केली कैरेक्टर की एबिलिटी कि आपके रनिंग स्पीड को 6% इंक्रीज कर देती है। और इसी के साथ ये गॉड लेवल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है। और हां, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि इन चारों कैरेक्टर में से आप कौन से कैरेक्टर डेली बेसिस पर रेगुलर पहले से ही यूज करते हैं। देखते हैं कि कौन से कैरेक्टर इसमें से सबसे ज्यादा यूज हो रहा है।